राधे अब करेगा कोरोना के मरीजों की मदद। अब आप घर बैठे जब राधे देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस मदद में आपका भी योगदान होगा। सलमान खान की फिल्म राधे 13 मई को रिलीज हो रही है। थिएटर के साथ साथ फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर भी आ रही है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आ रही है। यानी घर बैठे आप टाटा स्काई, D2H, वीडियोकॉन, हर जगह इस फिल्म को कुछ पैसे देकर देख सकते हैं। अब सलमान खान की तरफ से एक फैसला किया गया है कि इस फिल्म की कमाई का हिस्सा कोरोना के मरीजों की मदद के लिए दिया जाएगा। जी हां, सलमान खान इस फिल्म से हुई कमाई के कुछ हिस्से से ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और कोरोना के मरीजों के लिए जो भी जरूरी दवाइयां होंगी वो दान देंगे। गिव इंडिया फाउंडेशन नाम की संस्था के साथ सलमान खान ने टाई अप किया है। सलमान उन्हें फिल्म की कमाई का हिस्सा देंगे और वो लोग आगे कोरोना के मरीजों की मदद करेंगे। देखिए, मुश्किल दौर है, हर कोई अपने तरीके से मदद कर रहा है। सलमान की फिल्म राधे भी इस मुश्किल काल में आ रही है। देखिए, कहने वाले कह सकते हैं कि भैया मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन जो भी हो, इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी के जरिए भी कहीं ना कहीं कोरोना के मरीजों की मदद ही की जा रही है। तो फिल्म के प्रमोशन के लिए भले वो ये कर रहे हो, लेकिन ये भी समझिए कि एक नेक काम कर रहे हैं। तो अगर आप राधे देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना के मरीजों की मदद करने में आपका भी कुछ योगदान हो सकता है। अब कमाई का कितना फीसदी हिस्सा सलमान खान देंगे ये साफ नहीं है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अच्छा खासा हिस्सा सलमान खान राधे की कमाई का कोरोना के मरीजों की मदद में देने वाले हैं। देखिए, सलमान इन दिनों जो कोरोना में फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पुलिस वाले हो गए और जितने भी लोग मेडिकल स्टाफ हो गए, उनके लिए नाश्ते का भी इंतजाम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने खुद वो नाश्ता चखा भी था जाकर, और अब उन्होंने ये एक बड़ा ऐलान किया है। देखिए, सलमान की फिल्म बहुत मुश्किल दौर में आ रही है। सलमान की फिल्म पहले आती थी तो थिएटर में धूम मच जाती थी, फेस्टिवल होता था, लेकिन अब सलमान भी समझते हैं कि मुश्किल दौर है, लेकिन फिर भी वो फिल्म रिलीज कर रहे हैं और थिएटर बहुत कम जगह खुले हैं, और जो खुले भी हैं वहाँ लगता नहीं कि लोग जाने वाले हैं। इसीलिए सलमान इसे हर प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं और अब ये ऐलान भी किया है कि भाई कोरोना काल में मैं इस फिल्म के जरिए मदद करूंगा। तो अगर आप भी चाहें तो सलमान की इस मुहिम से जुड़ सकते हैं, चाहें तो राधे देख सकते हैं और आपका भी हो सकता है योगदान हो। देखिए, हर कोई अपने अपने तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा है। सोनू सूद लगातार मदद कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए तो सोनू सूद मदद कर ही रहे हैं। मुंबई के ओशीवारा में उनके घर के नीचे भी लोग मदद मांगने पहुंच गए। अब जो परेशान है वो कहीं ना कहीं कोई आसरा ढूंढेगा। सोनू सूद को भी लाखों की संख्या में मैसेजेस आ रहे हैं, सबका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं, मदद भी कम लोगों की कर पा रहे हैं क्योंकि मदद बहुत सारे लोगों को चाहिए। ऐसे में लोग उनके घर के नीचे पहुंच गए, लेकिन सोनू सूद ने वहां उनसे मुलाकात की, उनकी बात को सुना और कहा कि मेरी टीम के मेंबर को आप अपनी डिटेल्स दे दीजिए और आपकी मदद जरूर की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस भी लोगों की मदद करने में लगातार जुटे हुए हैं। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने ट्वीट्स के जरिए यह जानकारी दी कि कैसे सुशांत की रसोई से लोगों को खाना दिया जा रहा है, कैसे जो SSRians हैं, जो सुशांत के फैंस हैं, वो लोगों की मदद कर रहे हैं। मौनी रॉय जो TV की नागिन है, उन्होंने भी एक वीडियो शेयर किया है और कहा है कि भाई आप जितनी हो सके लोगों की मदद करें, मैं भी कर रही हूं, आप भी करिए। बॉलीवुड के तमाम सितारे कोशिश कर रहे हैं और हम सबको कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वक्त ऐसा है कि एक दूसरे का साथ देकर ही कुछ किया जा सकता है। तो आप भी जितनी हो सकती है मदद कीजिए। सबसे ज़रूरी बात, सेफ रहिए, मास्क लगाइए, क्योंकि मास्क ही आपको बचाएगा। फिर मुलाकात करेंगे। ABP News, आपको रखे आगे।